हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच दी कॉलम वन विद द कॉलम टू एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। तो बेटा कॉलम वन में ना कुछ कॉमन नेम दे रखा है, कॉलम टू उनकी स्ट्रक्चर दे रखी है। इससे पहले बात करें बेटा कैटी कैटीचोल, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? इसका मतलब बेटा फिनोल का डेरिवेटिव बेटा। ये एक ओ एच लग गया, ठीक है। तो दूसरा ओ एच बेटा अगर ऑर्थो पोजिशन पे लग जाए तो इसको बोलते हैं बेटा सी ए टी सी एच ओल, कैटीचोल, है ना। तो ए का क्या आएगा बेटा? मेरा क्यू आएगा। ए का क्यू यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, इसका मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गया बेटा। बात करें बेटा रिसोर्सिनोल की, तो इसमें क्या होता है? मेरा मेटा पोजिशन पे दूसरा ओएच होता है बेटा। कहाँ होता है? मेटा पोजिशन पे होता है। ये ओएच लग गया, इसके मेटा पे लगा दो बेटा। तो ये होता है बेटा मेरा रिसोर्सिनोल, ठीक है। तो बी का क्या आएगा बेटा? मेरा आर आएगा। कहाँ दे रखा है? देखो बी कार यहाँ दे रखा है, यहाँ बी कैसे दे रखा है, तो ये भी आउट हो गया। तो कंफर्म हो गया बेटा आंसर तो ऑप्शन नंबर वन ही आने वाला है। बात करें पैरा पैरा क्रिसोल, क्रिसोल में क्या होता है बेटा? मिथाइल ग्रुप होता है। पैरा का मतलब वो पैरा पोजिशन पे है मिथाइल, किसके बेटा? फिनोल ओ एच पे, है ना, ओ एच के पैरा पर। तो सी का क्या आएगा बेटा? मेरा ऐसा आएगा। सी का क्या आएगा बेटा? मेरा ऐसा आएगा, तो यहाँ दे रखा है। किनोल क्या होता है बेटा? मेरा दोनों ओ एच एक दूसरे के पैरा पे लगे हो, तो ये किनोल होगा बेटा, ठीक है। तो डी का क्या आएगा बेटा? मेरा पी आएगा, याद दे रखा बेटा डी का पी। तो ऑप्शन नंबर वन परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।